हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, हम यहाँ पे स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड वाला मैच खेल रहे हैं और हम यहाँ पे असाइलम वाली जगह पे उतरे हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से अपना सारा सामान कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर बंदों की तरफ रश करने के लिए निकलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस, मेरे को यहाँ पे एक बंदे के फुटस्टेप शो होते हैं, तो मैं ऊपर आने के बाद इस बंदे को यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। इस बंदे को मारने के बाद मुझे यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ आती है, तो मैं इस बंदे को भी यहाँ पे रश करके मार देता हूँ। सो गाइस, इस बंदे के बाद हमें यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं मिलता, तो हम यहाँ से अब बाहर जाके गाड़ी लेके बंदों की तरफ रश करते हैं। सो गाइस, जैसे हम यहाँ से जा रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें बंदे के फुटस्टेप शो होते हैं, तो हम यहाँ गाड़ी से उतर के उस बंदे पर रश कर देते हैं। इस बंदे को मारने के बाद मैं दोबारा से गाड़ी में बैठ के बंदों की तरफ रश करने के लिए जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बंदा पीछे से फायरिंग करके मार रहा होता है, तो मैं अब यहाँ उतर के उस बंदे को पहले मारता हूँ। इस बंदे को मारने के बाद मैं अपने आर्मर को यहाँ पे फुल करता हूँ और दोबारा से गाड़ी में बैठ के बंदों की तरफ रश करने के लिए निकल जाता हूँ। सो गाइस, मुझे यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है, तो मैं यहाँ जल्दी से उतर के गाड़ी से इस बंदे पे रश कर देता हूँ। तो ये बंदा पानी के अंदर जाके तैर रहा होता है, तो मैं इसे यहीं पे मार देता हूँ। गाड़ी मिल गई तुमको यार, मैं तो रिपीटर नहीं। सो गाइस, ये मेरे साथ वाला बंदा अकेले सामान को लूटे जा रहा होता है, और जहाँ जहाँ मैं जा रहा होता हूँ मेरे साथ गाड़ी में जबरदस्ती बैठ के जा रहा होता है, तो देखना मैं यहाँ गाड़ी को पानी में फेंक देता हूँ। अभी मेरे साथ कहीं पे भी नहीं जा पाएगा, हम दोनों को अलग अलग ही जाना पड़ेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। सो गाइस, ये बंदा अभी यहाँ अकेले भागने की प्लानिंग कर रहा होता है और इसे यहाँ गाड़ी मिल जाती है, तो ये जल्दी से आके गाड़ी में बैठ ही रहा होता है। इतने में मैं इसकी यहाँ पे गाड़ी फोड़ देता हूँ। सो गाइस, हम दोबारा से यहाँ पे बंदों की तरफ रश करने के लिए निकल जाते हैं। सो गाइस, मुझे यहाँ पे बंदे के फुटस्टेप शो होते हैं और मैं इस पे यहाँ पे रश करके इसे मार देता हूँ। इस बंदे को मारने के बाद मुझे यहाँ पे एक बंदे के और फुटस्टेप शो होते हैं, तो मैं इस बंदे पे भी यहाँ रश कर देता हूँ और इसे यहाँ पे मार देता हूँ। सो गाइस, अब हम यहाँ पे बिना गाड़ी के बंदों पे रश कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे साथ वाला बंदा भी मुझे यहाँ पे गाड़ी लेने नहीं देता। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे सामने की तरफ एक बंदा भागता हुआ दिखता है, और उस बंदे पे मैं यहाँ से रश कर देता हूँ और उसे यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा बंदा मेरी किल चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इस बंदे को मार देता हूँ। सो गाइस, मुझे यहाँ पे एक और बंदा दिखता है, तो मैं उस पर रश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे पूरी बंदे की स्क्वाड ही होती है, तो मैं यहाँ पे पहले आके कवर लेता हूँ और यहाँ से अपने आर्मर को फुल करता हूँ। इतने में हमारा बंदा यहाँ पे नॉकआउट हो जाता है, और मुझे यहाँ पे पता चलता है कि अंदर 3 से 4 बंदे हैं। तो पहले मैं यहाँ पे अपना आर्मर को फुल करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे आर्मर को फुल कर रहा होता हूँ, एक बंदा यहाँ से साइड से बाहर आ जाता है। मैं इन बंदों को यहाँ से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उन्हें यहाँ बस डैमेज ही होता है, और एक भी बंदा यहाँ पे मेरे से मरता नहीं। और यहाँ हमारा 3rd नंबर पूरे स्क्वाड से अकेले फाइट ले रहा होता है, और इतनी देर में वो भी यहाँ पे नॉकआउट हो जाता है। यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि पहले बाइक लेके यहाँ से निकल लेता हूँ और बाद में आके इनका टैग उठा के इन्हें रिवाइव दे दूंगा। सो गाइस, अब यहाँ पे देखना, यहाँ मैं जैसे तैसे करके अपने बंदे का टैग उठा लेता हूँ
और यहाँ पे पूरी स्क्वाड मेरा इंतजार कर रही होती है, लेकिन मैं जैसे तैसे करके यहाँ पे बंदों के पास से निकल लाता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपनी बाइक को उड़ा देता हूँ। लेकिन मेरी बाइक यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती, तो मैं अब यहाँ जल्दी से पैदल ही भागता हुआ इस बंदे को यहाँ रिवाइव दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपने दोनों बंदों के डॉक्टर टैग स्कैन कर देता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे पे बंदे कभी भी रश कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा टीममेट अब मेरे को यहाँ पे बताता है कि इस साइड पे एक बंदा छुपा हुआ है, तो मैं इस बंदे पे यहाँ पे आके रश कर देता हूँ। इस बंदे को मारने के बाद मुझे सामने से एक और बंदा आता हुआ दिखता है, तो मैं उस बंदे पे भी जाके रश कर देता हूँ और उसे वहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने आर्मर को फुल करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी चिप को अपग्रेड करूँगा, और चिप को अपग्रेड करने के बाद मैं गाड़ी में बैठ के अपने टीममेट के साथ बंदों पे रश करूँगा। सो गाइस, हम यहाँ पे बंदों को ढूंढ ही रहे होते हैं और मेरे को यहाँ बंदा दिखता है, तो मैं यहाँ उस बंदे को जल्दी से टक्कर दे के मारता हूँ और उस बंदे का यहाँ पे पीछा करता हूँ। लेकिन ये बंदा यहाँ पानी में कूद जाता है और मैं उस पर रश करने वाले कूदता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे यहाँ पे मार देता है। लेकिन मैं इस बंदे को काफ़ी डैमेज दे चुका होता हूँ और मेरा टीममेट आके इस बंदे को मार देता है और मेरे डॉक्टर को उठा के वो रिवाइव दे देता है। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ दोबारा से यहाँ पे और मेरे को यहाँ पे एक ड्रॉप दिखता है, तो मैं सबसे पहले उसी के पास जाके लैंड करता हूँ। सो गाइस, इस ड्रॉप से मुझे काफ़ी सारा सामान मिल जाता है, लेकिन मेरा ध्यान अब जाता है कि मेरा बंदा भी यहाँ मर चुका होता है, तो मैं उसके क्रेट की तरफ जाके उसके डॉक्टर को यहाँ पे स्कैन करता हूँ। और इसका डॉक्टर स्कैन करने के बाद मैं यहाँ पे इसका सामान लूट लेता हूँ। अब मैं यहाँ से अपने टीममेट के साथ बोट में बैठ के अपनी क्रेट की तरफ जाता हूँ और वहाँ पे जाके अपने सामान को लूटता हूँ। सो गाइस, मेरे पे काफ़ी सारा सामान हो चुका होता है और अब हम यहाँ से बंदों पे रश करते हैं। सो गाइस, मेरे को यहाँ पे एक ड्रॉप दिखता है, तो मैं उस ड्रॉप को लूटने के लिए जाता हूँ और वहाँ पे मैं अपनी एक गन को चेंज करके स्नाइपर ले लेता हूँ। अब मेरे को इस साइड से फायरिंग की आवाज़ आती है, तो मैं अपनी स्नाइपर निकाल के यहाँ पे इस बंदे को मार देता हूँ। सो गाइस, मुझे यहाँ पे एक बंदा टैंक के ऊपर चढ़ा हुआ दिखता है, तो मैं उसे यहाँ स्नाइपर से नॉकआउट कर देता हूँ, लेकिन टैंक की मिसाइल मेरे पे इतनी तेज पड़ती है जिसकी वजह से मेरा आर्मर पूरे यहाँ ख़त्म हो जाता है, तो मैं यहाँ अपने आर्मर को फुल करता हूँ, उसके बाद इस टैंक वाले बंदे पर रश करता हूँ। यहाँ पर मैं इनके टैंक को अपने स्नाइपर से फोड़ देता हूँ, लेकिन जो टैंक के अंदर बंदा बैठा होता है वो निकल के भाग चुका होता है यहाँ से, और यहाँ पे मेरा टीममेट भी नॉकआउट हो जाता है, तो मैं उसे रिवाइव देने के लिए जा रहा होता हूँ, लेकिन वो तीर में मर जाता है। तो यहाँ पे दूसरा टीममेट भी मेरा नॉकआउट हो जाता है और ये बंदे उसे भी यहाँ पे मार देते हैं, तो मैं इन बंदों पे यहाँ पे ब्रश करता हूँ। सो गाइस, अब एक ही बंदा बचा होता है और मेरे को वो बंदा सामने घास में दिख रहा होता है, तो मैं उसे यहाँ पे स्नाइपर निकाल के मार देता हूँ। और यहाँ पे हम ये मैच जीत जाते हैं। सो गाइस, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये गेम प्ले कैसा लगा। अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।